डर कहीं नमस्ते दुलारी, मेम साहब कहाँ हैं? मेम साहब तो शाम से स्टोर रूम में बैठी हैं। क्यों, क्या हो? भगवान जाने, दिन भर तो एकदम भली चंगी रही, फिर बाहरे चली गई और फिर जब बाहर से लौटी तो बहुत परेशान लगत रही। हम उनका खाना के लिए पूछा, किसी जवाब ही दी नहीं। साहब खाना लगाए? शकुंतला, अच्छी। अरे ये क्या, तुम्हारी पलकें क्यों सूज रही हैं? रो रही थी? सब मुझे रुलाते हैं। तुम्हें कोई नहीं रुलाया, मैं सबको चेतावनी देकर आया हूं, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, माया भी यहां कभी नहीं आएगी। अरे ऐसा नहीं करते, अच्छी लड़की नाखून नहीं खाया करती। चलो उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं, नहा लो और ये साड़ी पहन लो, ये लो। माया, मैं हमेशा तुमसे पूछता रहता था कि तुम्हारा मेरी मामी से क्या रिश्ता है, तुम हमेशा बात टाल जाती थी, कभी तुमने मुझे बताया नहीं कि वो तुम्हारी बहन है। अजय, हम दोनों बहनों का रिश्ता कुछ उलझा हुआ है। बचपन में तुम्हें मामी बहुत सताया करती होंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि बचपन में तो वो बेजुबान गाय की तरह थी, भैया और मुंह से बहुत सताया करती थी। तो क्या शकुंतला मामी ने माँ से कभी कंप्लेन नहीं की? माँ, इसी वजह से तो हमारी कहानी उलझ गई। मेरी माँ बचपन में ही मर गई, डैडी ने दूसरी शादी कर ली। शकुंतला मेरी दूसरी माँ की बेटी है। तो इसका मतलब शकुंतला मामी तुम्हारी सौतेली बहन है? मैंने उसे अपनी सौतेली बहन कभी नहीं समझा, शायद वो खुद को सौतेली समझ बैठी। मेरा कोई नहीं था तो मेरे डैडी मुझसे बहुत प्यार किया करते थे और उन्हें खुश रखने के लिए माँ मेरा ख्याल रखती थी। शायद इसी वजह से बेचारी शकुन निग्लेक्टेड फील करने लगी, कॉम्प्लेक्स्ड हो गई। बचपन भी कितनी वंडरफुल एज है अजय, बचपन, स्वीट बचपन। होम स्वीट, घर वालों को मिस कर रहे हैं। यू आर इन अ मूड टू हॉलिडे आई सी। जेनी डार्लिंग, नई नई नौकरियों में हॉलिडे कैसा? हाँ देखिए, एक बात जरूर है, मेरे वर्किंग आवर्स जरा फ्लेक्सिबल है। क्या है, कभी कभी मेरे जो नए बॉस हैं वो मुझको घर पे बुला लेते हैं, अब जितना काम है उस हिसाब से मेरा आना जाना रहता, एंड टुडे मैं जरा आराम से जाने के मूड में हूँ। लेजी बॉय। नाउ लिसन, दिस ओल्ड मैन डिजर्व्स अ लिटिल बिट ऑफ लेजीनेस। हां पापा, आपके बॉस आपसे खुश है ना? जेनी, हम एक दूसरे से बहुत खुश हैं, वो थरो जेंटलमैन है। And I'm not a bad personal secretary either. I'm very proud of you, Papa. अच्छा सुनो,
तुम लेट तो नहीं हो रही हो ना? This rising star also deserves some amount of laziness. प्लीज जल्दी जाओ, नहीं तो तुम्हारी उस प्रोड्यूसर का नाम है मेहता, उसके टेलीफोन आ जाएगा. You're right. I'm off. Bye. पापा, आप भूले तो नहीं? अरे कैसे भूल सकता हूँ मैं, आज रात को बराबर 9 बजे टीवी में हमारी प्यारी सी बेटी मिस जेनिफर जेफरसन का इंटरव्यू आने वाला है. You're such a sweetheart, Papa. Please watch it, okay? Okay, I won't miss it. I'll see you. Bye. 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 Vinayak! Oh, Vinayak! क्या ख्याल है तुम्हारा? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं. मुसीबत के अंधेरों से गुजरने के बाद अगर जेनी जैसी बहू हमारे घर में रोशनी बनकर आए तो मुझे खुदा से कोई शिकायत नहीं. अंजलि, ब्रेकफास्ट रेडी है? जी भैया. क्या बात है माँ, किस सोच में गुम हो? मिश्रा जी की बदतमीजी का गम अभी भी सता रहा है? उनकी बात तो मैं कभी नहीं भूल सकती. भूल जाओ माँ, मैली बात को मन में रखने से मन मैला हो जाता है. बस अब तो अंजलि के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तभी ये बात भूल सकती हूँ मैं. माँ अभी अंजलि की उम्र ही क्या है, बहुत सारे रिश्ते आएंगे मेरी गुड़िया जैसी बहन के लिए, तुम फिक्र क्यों करती हो? भगवान करे तुम्हारी बात सच निकले. वैसे एक बात का ध्यान रखना, मिश्रा जी ने अंजलि का रिश्ता कबूल नहीं किया इस बात की भनक किसी और को नहीं करी, वरना हमारे लिए और परेशानी बढ़ जाएगी. फिक्र मत करो माँ, मुझे अपने परिवार की मर्यादा का एहसास है. नहीं, सुबह सुबह कौन आ गया? भैया. अजय तुम? नमस्ते. नमस्ते. तुम्हारे मेम साहब घर में हैं? जी हैं. हेलो शकुंतला, कैसी हो? तुम यहां भी आ गए, क्यों? तुम्हारे लिए एक अनमोल तोहफा लेके आई हूं, ये लो. तुम कहती थी ना मैंने तुम्हारी हर खुशी छीन ली, आज मैं तुम्हें खुशी देना चाहती हूं. लो. ये क्या हो रहा है? हेलो आनंद. तुम्हें इस घर में आने की इजाजत किसने दी? आनंद ही मेरी बहन का घर. शकुंतला को अपनी बहन मत कहो, तुम उसके सुकून और शांति की दुश्मन. जो जख्म अब तक हरे हैं उन पे मरहम रखना बहुत जरूरी है, वरना वो नासूर भी बन सकते हैं. अगर तुम शकुंतला से मिलती रही तो हमारे रिश्ते में दरार पड़ सकती है. मेहरबानी करके जाओ और शकुंतला से दूर रहो. As you wish, लेकिन तुम जो कुछ भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे. आज माँ ने सारी डिशेस तुम्हारी पसंद की बनाई है. सच भैया, माँ यहाँ का खाना खाने के लिए मैं बिल्कुल तरस गया था. अच्छा बेटा, तुम खाना होटल से मंगाते हो या कोई बनाने वाला रखा हुआ है?
दरअसल माँ, मैं एक शहर में रहता नहीं हूँ, कभी एक शहर में कभी दूसरे शहर में, इसलिए खाना होटल में खाना पड़ता। तो क्या तुमने कोई म्यूजिक ग्रुप ज्वाइन कर लिया? नहीं भैया, वो मैं कंपनी में मैनेजर हूँ। अच्छा, किस कंपनी में? ये नई कंपनी भैया, अभी तक मार्केट में प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश नहीं हुई। लेकिन तुमने ये अपने करियर और एम्बिशन में इतना मेजर शिफ्ट कैसे हैंडल किया, म्यूजिक से सीधा सेल्स मैनेजर? भैया अब मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ साथ मैं भी इस घर का खर्चा चलाऊं। जब इस घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो मैं वापस म्यूजिक ज्वाइन कर लूंगा। बेटा अपना फोन नंबर और एड्रेस जरूर देके जाना, तुम्हारी खैरियत नहीं मिलती तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। माँ एक्चुअली मैं शहर में दो दिन से ज्यादा रहता ही नहीं हूँ, इसलिए मैंने टेलीफोन लिया ही नहीं। भैया और कुछ दिन रहेंगे ना हमारे साथ? नहीं अंजलि, मैं कल ही बैंगलोर जा रहा हूँ। तुम्हारी जुदाई सबको खटकती है अजय, लेकिन खुशी भी है कि तुम फाइनली एक स्टेडी जॉब कर रहे हो। अच्छा हलवा थोड़ा और लो, मैंने खास तौर पे तुम्हारे लिए बनाया, चलो। बस माँ बस बस बस, आज इतने महीनों बाद इतना अच्छा खाना खाया मैंने, ज्यादा खाऊंगा मोटा हो जाऊंगा, इसलिए ओवर ईटिंग नहीं कर रहा हूँ, और वैसे ही मुझे नींद आ रही है। ओके मैं कॉफी बनाकर लाती हूँ। गुड आइडिया। अशोक भैया इतने दिन बाद आज आप सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। कॉफी। वेरी गुड, थैंक यू। अंजलि इधर आना, रक्षाबंधन में तुमसे मिलने में आ नहीं सका, इसलिए तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से। थैंक यू भैया। अच्छा लगा? बहुत अच्छा। और ये कुछ पैसे तुम्हारी शादी के लिए, इन्हें तुम अपनी मर्जी से खर्च करना, ठीक है? क्या बात अंजलि? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, आज आप दफ्तर नहीं आए? देखते नहीं, मैं काम करने के मूड में नहीं। सर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, एक बहुत बड़ी डील फाइनलाइज होने वाली है, आप अगर दफ्तर नहीं आएंगे तो सर बिजनेस में बहुत लॉस हो जाएगा। लॉस? Guess about loss. Loss से डरते रहते हैं और आखिर पता चलता है कि जो चीज सबसे प्रेशियस थी वही खो गई। सर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ पूछो, आज आपको किस बात की परेशानी? कैसी परेशानी? बस दुनिया की हर चीज से मेरा इंटरेस्ट खत्म हो गया। I don't need anything except one more of these. सर कुछ लोग बेवफाई के गम में पीते हैं और पीते पीते ये भूल जाते हैं कि बेवफाई करने वाला कहीं और वफा कर रहा है। किसकी बेवफाई की बातें हो रही हैं? किस्मत की तकदीर ना, अब नहीं। Tom, I take back my words. तुम ऑफिस जाओ, मैं अभी आता हूँ। On, sir? The whole world is on. Right, sir. Goodbye, Mr. Tom. कैसी लग रही है? मेरी महबूब आ जाती। सुबह के सुलूक के लिए मैं बाहर शर्म बहुत कुछ मत करो, तुम्हारी मुस्कुराहट में सब कुछ है, मुझे अब कुछ नहीं पूछा। तुम्हें मीटिंग में नहीं जाना? पहले तुम्हें शॉपिंग ले जाऊंगा, मीटिंग बाद में। शॉपिंग बाद में? तुम्हें अपने काम को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं इस साड़ी के साथ एक मैचिंग नेकलेस खरीदना चाहता हूँ। नेकलेस मैं खुद खरीद लूंगी। Promise? Promise. I love you.
हेलो अशोक। जेनी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, तुम क्या कर रहे हो इस वक्त? तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम्हारे बालों की खुशबू सुन रहा हूँ। ओह गॉड, मुझे नहीं पता था कि डॉक्टर्स भी ऐसी बातें करते हैं। अरे मोहब्बत तो डॉक्टर्स को भी शायर बना देती है जेनी। हाउ स्वीट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मोहब्बत डॉक्टर्स की याददाश्त भी कमजोर कर देती है? मेरी याददाश्त तो अभी तक सही सलामत है। अच्छा ये बताओ कि आज रात को क्या होने वाला है? आज रात? हाँ आज रात, याद करो। भूल गए ना? अरे कोई हिंट तो दो। नो हिंट्स मिस्टर अशोक, तुम्हें खुद याद करना पड़ेगा और जब तुम मुझसे मिलोगे सच सच बताना कि तुम्हें याद रहा या नहीं। जेनी बात तो सुनो। आई एम नॉट लिसनिंग टू यू, बाय। भैया जानते हो आज रात टीवी पे कौन आने वाला है? कौन? जेनी। आज रात ठीक 9 बजे जेनी का इंटरव्यू आने वाला है। हेलो एवरीबॉडी। जेनी, म्यूजिक और डांस से आपकी दिलचस्पी कब से पैदा हुई है? मेरे पापा मिस्टर टॉम जेफरसन एक बहुत ही टैलेंटेड गिटारिस्ट है। म्यूजिक की समझ और टैलेंट मैंने उन्हीं से पाई है। और डांस, क्या आपने डांस की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है? नहीं, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं ली, लेकिन स्कूल और कॉलेज में डांस कॉम्पिटिशन्स में पार्ट जरूर लिया है। जब भी पापा कोई नई धुन कंपोज करते मुझे जरूर सुनाते और उनकी धुन पर मैं डांस करती। सच, मैंने अपने पापा से बहुत कुछ पाया है। और वो खुद बेचारा नकारा क्या है। यानी आपने ये टैलेंट अपने फादर से इनहेरिट किए हैं? जी हाँ, I owe my success to my papa. आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मैं डांस और म्यूजिक के फील्ड में अपनी यूनिक पोजीशन बनाना चाहती हूँ। तो क्या मैरिज की कोई प्लान नहीं है? मैरिज की प्लान तो डेस्टिनी बनाएगी, मैं नहीं। और तुम्हारी डेस्टिनी मैं हूँ। Wish you all the best, Miss Jenny, for your future, and thank you very much for giving us your precious time. Good night. Goodbye. मेरी डेस्टिनी तो डिसाइडेड है। भैया आपने कोई डिसीजन लिया है? नहीं। क्या मतलब ये कि आपने कोई लड़की पसंद की है? नहीं, नहीं। अंजलि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। तुम नहीं सुनोगी तो और कौन सुनेगा? मैं कई रातों से नहीं सोया। ऐसी बातें मत करो, तुम नहीं जानते मुझ पर क्या बीत रही है। जब से तुम्हारे पिताजी का फोन आया है सारा घर मेरे लिए परेशान है। तो क्या तुमने भी उम्मीद छोड़ दी? यही तो हमारा एक सहारा है। अच्छा यही होगा कि हम एक दूसरे को भूल जाएं। ऐसी बातें मत करो अंजलि, प्लीज ऐसी बातें मत करो। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। एक मिनट रुकना। Don't cry. सब ठीक हो जाएगा।